बेईमानी, खुद से बचना, अपनी शक्ति को बचाने का तर्क ही होता है, अरे इस पे क्या करना, ये तो बड़े आदमी है, हम कैसे कर सकते हैं। भगवान ने पृथ्वी पर वो सब किया जो मैं और आप करते हैं। मेरी आपकी तरह वो रोए भी, पत्नी के हरण हो जाने पर उन्होंने विलाप भी किया और विलाप को भी अपने छोटे भाई को भी सूचित किया और कहा कि घन घमंडनम गर्जत घोरा प्रिया विहीन मन डरपत मूला। अरे लक्ष्मण, आकाश में चौमासे में बादल कड़कड़ा रहे हैं और तेरी भाभी चली गई है, मेरा मन डर रहा है। सोचिए किसका मन डर रहा है, जिसकी भ्रकुटि के तिर्यक हो जाने पर यह सृष्टि प्रलय में परिवर्तित हो जाती है, उसका, उस व्यक्ति को डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम अपने संकटों से डरते हो तो तुमसे ज्यादा संकट तो मेरे जीवन में आए हैं और उसके बाद भी मैं नंगे पांव एक वलकल पहनकर विश्व के सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को दूसरे के देश में जाकर पराजित करके लौट सकता हूं, तो तुम अपने अंदर की लंका पर विजय क्यों नहीं पा सकते, तुम अपने अंदर की अयोध्या क्यों नहीं पा सकते। उन्होंने लिखा है कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के संपर्क सूत्र से आपका यह ईमेल आईडी प्राप्त हुआ। अपने अपने राम का ऊर्जा सत्र सुना, मन में देह में अनुपम ऊर्जा का आभास हुआ, लेकिन एक प्रश्न था जो कल भी रह गया, राम ईश्वर है या महापुरुष? बहुत सामान्य सवाल है। मैंने कल भी ये कहा था, मेरी कोई योजना नहीं है कि मैं आपको श्रद्धा से भरकर भेजूं। जो श्रद्धा तर्क की कसौटी पर नहीं कसी जाती वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। आप कितना भी अपने बच्चे को कहो ये भगवान है या सिर झुका ले, वो आपके कहने पर झुका तो लेगा, लेकिन उसके मन में प्रश्न बने रहेंगे। आप प्रसन्न हो जाइए इस बात पर, ये अधिकार केवल आपको मिला, केवल इस धरती को मिला कि यहां भगवान स्वयं आया है। यहां दशरथ के आंगन में घुटनों चलते हुए ईश्वर को लोगों ने देखा, अकेली जगह है, इसलिए भगवान पृथ्वी पर आया। हमारे राम पृथ्वी पर आए, हमारे कृष्ण पृथ्वी पर आए, हमारे परशुराम पृथ्वी पर आए, लेकिन मनुष्यों की तरह। अब आप कहेंगे, बहुत सारे युवा बच्चे जो आ जाए हैं, कि ये मनुष्यों की तरह कैसे होता है? कई बार हम बड़े लोगों के जीवन का आचरण इसलिए नहीं करते कि ऐसा करना कठिनता का कारण है। अक्सर खुद की बेईमानी, खुद से बचना, अपनी शक्ति को बचाने का तर्क ही होता है, अरे इस पे क्या करना, ये तो बड़े आदमी है, हम कैसे कर सकते हैं। भगवान ने पृथ्वी पर वो सब किया जो मैं और आप करते हैं। मेरी आपकी तरह वो रोए भी, पत्नी के हरण हो जाने पर उन्होंने विलाप भी किया और विलाप को भी अपने छोटे भाई को भी सूचित किया और कहा कि घन घमंडनम गर्जत घोरा प्रिया विहीन मन डरपत मूला। अरे लक्ष्मण, आकाश में चौमासे में बादल कड़कड़ा रहे हैं और तेरी भाभी चली गई है, मेरा मन डर रहा है। सोचिए किसका मन डर रहा है, जिसकी भ्रकुटि के तिर्यक हो जाने पर यह सृष्टि प्रलय में परिवर्तित हो जाती है, उसका, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई, उस व्यक्ति को डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम अपने संकटों से डरते हो तो तुमसे ज्यादा संकट तो मेरे जीवन में आए हैं और उसके बाद भी मैं नंगे पांव एक वलकल पहनकर विश्व के सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को दूसरे के देश में जाकर पराजित करके लौट सकता हूं, तो तुम अपने अंदर की लंका पर विजय क्यों नहीं पा सकते, तुम अपने अंदर की अयोध्या क्यों नहीं पा सकते। इसलिए ये कहानी प्रतीकों की कहानी है। देख, ऐसे महापुरुष हैं जो ईश्वर का पद छोड़कर आप तक आए हैं। संस्कृत में हम अवतार कहते हैं उन्हें। यह अवतार शब्द कहां से आया है? संस्कृत में एक शब्द है अवतरणिका। अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को, नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, ये किसके माध्यम से संभव है? सीढ़ी के माध्यम से संभव है। ईश्वर का मनुष्य बनना और मनुष्य का ईश्वर बनना, ये किसके माध्यम से समझा है? ये अवतार के माध्यम से संभव है। इसलिए राम ने आपको बताया कि तुम्हारी तो एक नौकरी में ट्रांसफर हुआ है। राम ने आपको बताया कि तुम तो एक आईआईटी के पहले या दूसरे अटेम्प्ट में फेल हुए हो। राम ने आपको बताया कि तुम्हारे को तो थोड़ा सा ही घाटा हुआ है। राम ने आपको बताया कि तुमसे तो थोड़े से ही अवसर छिने हैं, मेरे से तो लगातार छिनता ही आया है, लेकिन उस छिनने के बाद भी मैंने मनुष्यता के लिए पृथ्वी पर पैदा हुए सबसे बड़े खतरे को उसके घर में जाकर इसलिए पराजित किया ताकि दुनिया दीपावली मना सके, दशहरा मना सके और आनंद मना सके। 14 वर्ष बाद राम लौटे। दिवाली पर जब आजकल इतनी रोशनी हो जाती है, सोचो जब हमारा नायक
जब हमारा भगवान 14 साल बाद लौटा होगा तो कैसा माहौल हुआ होगा। राम लौटे तो हर तरफ प्रकाश किया गया, दिए जलाए गए नैमिषारण्य के बाहर, जहां उनकी कुटिया है नंदीग्राम में भरत की, वहां पुष्पक विमान उतरा। राम एक बड़े रथ पर सवार हुए, पार्श्व में स्वयं माता सीता, लक्ष्मण, चरणों में हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, विभीषण, सब राजा। हर तरफ से पुष्प वर्षा हो रही है, महिलाएं रो रही हैं, बलाया ले रही हैं, उनके साथ के पड़े हुए युवक उनके जय घोष के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर लोग फूल बिखेर रहे हैं। भगवान ने रथ के आगे चलते हुए भरत जी को पास बुलाया और भरत से कहा, प्यारे भाई, क्या मेरे आगमन से अयोध्या प्रसन्न नहीं है? भरत की आंख से आंसू आ गए। भरत ने कहा, कैसी बातें करते हो, 14 वर्ष से यहां प्रसन्नता किसी ने देखी नहीं है, एक ही दिन की प्रतीक्षा की है कि आप लौटेंगे, देखिए इन सबको कितने प्रसन्न है, आपके मन में प्रश्न क्यों आया? राम ने कहा, बाकी सब तो ठीक है, हमारी माँ की जो 7 महिलाएं थी माँ जैसी, वो भी आई हैं, मेरे तुम्हारे साथ खेलकर बड़े हुए जवान भी मुझे दिख रहे हैं, महिलाएं भी दिख रही हैं, बच्चे नहीं दिखाई दे, क्या वे अपने तात अपने ताऊ राम के आने पर प्रसन्न नहीं है? भरत ने आंख में आंसू भरते हुए कहा, क्या कहूं मेरे राजन, ये अयोध्या आपसे कितना प्रेम करती है कि जिस दिन से आप तपस्वी और ब्रह्मचारी का वेश बनाकर माता के साथ बाहर निकले हो, 14 वर्ष से इस अयोध्या ने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया है, यहां बच्चे पैदा ही नहीं। लोगों को लगता है कि असंभव बात है, यह असंभव बात नहीं है। राजा की शुचिता में अगर विश्वास हो जाए तो राजा जो कहे प्रजा वो मानने लगती है। राम ईश्वर महापुरुष संयुक्त है, इसलिए कहा रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म का साक्षात विग्रह है। विश्वामित्र जब लेने के लिए गए तो दशरथ ने कहा, महाराज, खर, दूषण, ताड़का, सुबाहु, त्रिशला, ऐसे भयानक राक्षसों से भिड़ने के लिए आप मेरे इस किशोर बालक को ले जाना चाह रहे हैं? दुनिया में 2 लैब थी उस समय डिफेंस की, सबसे बड़ी, एक विश्वामित्र की और एक महर्षि अगस्त की दक्षिण में। महर्षि अगस्त जिन्होंने वैमानिकी का प्रयोग किया, विमान कैसे उड़े इसके लिए अगस्त संहिता में बाकायदा सूत्र दिए। महर्षि अगस्त जिन्होंने सबसे पहले लाइट कैसे जले इसके विषय में बताया। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे घर में अमृत का कोष पड़ा हुआ है और हम नालों के किनारे अपना कटोरा लेकर खड़े हुए हैं कि हमें पानी दे दीजिए, हमें प्यास बुझा दीजिए। 2 लैब थे, लेकिन विश्वामित्र की आयु हो गई थी, बल को संभालने के लिए भी एक तेजस्वी शरीर और आत्मा चाहिए। उन्हें सूचना थी कि भगवान अवतार लेंगे, उन्हें पता था कि दशरथ के पुत्र में वो शक्ति है कि इसको संभाल ले। दशरथ ने कहा, मेरा ही बेटा क्यों, पिता के अंदर मोह होता है, एक छोटी सी गलत खबर छप जाए कहीं, कहीं कोई बात हो जाए, आपके जीवन में कुछ हो जाए, सबसे पहले जो 2 लोग चिंतित होते हैं वो पहले आपकी माता और आपके पिता। दशरथ तो बहुत तेजस्वी बेटों के पिता हैं। दशरथ ने कहा, इसे ही क्यों ले जा रहे हैं, मुझे ले जाइए, मेरी सेना को ले जाइए। विश्वामित्र ने कहा, जो इसके पास है वो किसी के पास नहीं है राजन। दशरथ ने कहा, ऐसा क्या है? विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि 4 चीजें होती हैं दुनिया में, 1 मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। सबसे पहला यौवन, जवानी आती है तो आदमी पागल हो जाता है। 16 साल के बच्चे को खूब बताते रहिए कि ऊपर बारिश पड़ रही है, ओले बरस रहे हैं, छत पे मत जा, खांसी हो जाएगी, वो कहता है अजीब आदमी है ये, गाड़ी धीमी चला, मानता ही नहीं है। जब यौवन आता है तो आदमी पृथ्वी में तीर मारता है तो नीर निकलकर पिता में भीष्म के होठों पर आ जाता है। अर्जुन का यौवन था, पिता में तो प्यास लगी, पानी पिलाओ, कोई सोने में लाया, कोई चांदी में, नहीं, अर्जुन पिलाएगा। अर्जुन ने कहा, बाबा क्या बात होगी बेटा, पानी पिला, मारा तीर नीचे, और इस सुविधा के साथ, इस वैज्ञानिक गणना के साथ मारा कि वाटर लेवल इतनी तेजी से आया कि सीधे होठों पर ही आ सके। और यही अर्जुन जब द्वारिका से भगवान के संरक्षण में पलने वाली रानियों को लेकर जा रहा था, गोपिकाओं को लेकर जा रहा था, तो हस्तिनापुर के बॉर्डर पर वन बंधुओं ने उससे सारा सामान छीन लिया। और मेरे इलाके में कहावत चलती है, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण। पहली चीज है यौवन,
पैसा आ जाए, बाथरूम में भी टॉयलेट में भी सोने की पेंटिंग करा देता है यार। नई नई दौलत वाले जहाज में आपको बहुत मिलते हैं, उनका पूरा अस्तित्व ऊपर से नीचे तक उन्होंने क्या पहन रखा है इस पर तय होता है। लेकिन संतों की भी आमद है आज इस कार्यक्रम में। हमारा देश वो है जो क्या पहन रखा है इस पर निर्भर नहीं करता, अंदर कैसा विचार धारण कर रखा है इस पर निर्भर करता है। यौवन, दूसरा क्या हुआ धन, तीसरी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, हवेलियां, ये सामान, पुराना हीरा, और चौथा प्रभुत्व। ये बड़ी बुरी चीज है प्रभुत्व। कभी दिल्ली जाना लाल किले के सामने से निकलना, राजस्थान के किलों के सामने से निकलना, जिन किलों के परकोटे पर खड़े हुए एक आदमी की आज्ञा से आपके जीवन का सूरज असमय डूब सकता था, या आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो सकती थी, आज उन्हीं किलों की दीवारों में पेड़ उगाए हैं। उन्हीं किलों की दीवारों में किसी भी वंचित, किसी भी पिछड़े, किसी भी शोषित का लड़का अच्छी नौकरी, अच्छा धन पाकर वही कमरा बुक कराता है जो कभी महाराज के लिए तय हुआ था, और रात्रि व्यतीत करता है। इसे प्रभुत्व कहते हैं। विश्वामित्र ने कहा, इन चार में से एक आ जाए तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज दशरथ, तुम्हारा लड़का अद्भुत है कि उसके पास चारों हैं और फिर भी विनम्र है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। इसलिए राम आदर्श हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कह चुके। तो जिसने पूछा कि वो कैसे हैं, परिजन ने अपने हिसाब से देखा, तुलसी ने अपने हिसाब से देखा, वाल्मीकि ने अपने हिसाब से देखा, कम्मन ने अपने हिसाब से देखा, उसको उत्तर दे रहा हूं जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा है कि मनुष्यता ने जो ईश्वरत्व का सबसे बड़ा सपना देखा वो राम है। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता जे व्यापाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 राम, अपने 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 राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।